Hello students of level 6, Assalamualaikum. Today is your science class and we are going to start another chapter, that is plants. We have done the chapter building units of living things, and now we are going to do plants. Continuity of life we will do in later. Okay, so let's start. When you have finished this, okay, we will start from here. A plant's body is made of three basic parts, the root, the stem and the leaf. So plant ka aapko malum hai ki it is made up of three basic parts. These are the roots, the stem and the leaves. These are the three basic parts of the plant. However, based on their class, plants may also have buds, flowers, fruits and seeds. So some plants have flower, some plants have buds, some are only have seeds. ठीक है, तो सब all the plants are different. ठीक है, this whole body of plant can be divided into two main organ system. अब इस plant को हम समझने के लिए two main organs में divide करेंगे, the root system and the shoot system. ठीक है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि plant को अगर हमने पढ़ना है, study करना है, तो हम root system और shoot system के बारे में पढ़ेंगे. ये क्या होता है थोड़ा सा मैं आपको इसको समरी करके बता देती हूँ. जो हिस्सा प्लांट का ग्राउंड से अबव है दैट इज़ कॉल्ड द शूट, और जो हिस्सा प्लांट का ग्राउंड से नीचे है, ज़मीन के अंदर है, उसको हम रूट सिस्टम बोलेंगे. अब इसको हम पढ़ते हैं, द रूट सिस्टम. द रूट सिस्टम यूजुअली डिवेलप्स अंडर द ग्राउंड. ठीक है, मैंने आपको बता दिया, एंड कंसिस्ट ऑफ रूट्स. इसमें क्या है, ये देख रहे हैं आप, रूट्स. उर्दू में हम इन्हें जड़ें बोलते हैं. ठीक है, एंड मॉडिफाइड स्टेम्स सच एज ट्यूबर्स एंड राइजोम्स. ठीक है, ये साइंटिफिक वर्ड्स हैं. द फंक्शन ऑफ द रूट सिस्टम, इनके फंक्शन मतलब इनका काम क्या है. द फंक्शन, फंक्शन मीन्स इसकी जॉब, काम ऑफ द रूट सिस्टम इंक्लूड्स, क्या काम करता है, फिक्सिंग द प्लांट इन द सॉइल. फिक्स करता है प्लांट को इन द सॉइल, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा. This is why the root grows downwards. ठीक है, तो fixing plant firmly. देखें, अब आप कोई भी चीज़ लें, वो कभी भी जड़ के बगैर स्टैंड नहीं हो सकती ज़मीन में. आपको ग्राउंड के नीचे कुछ तक नीचे हद तक जाना पड़ता है, सो यू कैन स्टैंड. सो इट्स फंक्शन इज़ टू स्टैंड, मेक द प्लांट स्टैंड. ठीक है, एक तो ये हो गया, और दूसरा फंक्शन इसका क्या है, द रूट्स ऑल्सो एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. क्या सॉइल से क्या एब्जॉर्ब करता है, वाटर एंड मिनरल्स, एंड सेंड्स देम टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. और फिर यहाँ से पानी वानी मिनरल्स वगैरह एब्जॉर्ब करके पूरे सिस्टम में सप्लाई होता है. रूट ऑल्सो वर्क्स एज द स्टोरेज ऑर्गन. जैसे ऑर्गन हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, आपने पढ़ा भी है, एंड दे वो कुछ ना कुछ सबका फंक्शन होता है. तो रूट कैसा ऑर्गन है प्लांट का, स्टोरेज, यानी स्टोरेज जिसको हम उर्दू में ज़खीरा बोलते हैं, मतलब स्टोर करके रखता है फूड को. ऑफ द प्लांट बिकॉज दे स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. अब ये फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट मीन्स फॉर यूज़ व्हेन रिक्वायर्ड. एग्जाम्पल ऑफ सच फूड्स आर टर्निप एंड कैरेट. और इसकी एग्जाम्पल क्या है, टर्निप और कैरेट. ठीक है, ये इसकी एग्जाम्पल्स हैं. द शूट सिस्टम, द शूट सिस्टम इज़ द पार्ट ऑफ द प्लांट्स बॉडी दैट ग्रो अपवर्ड्स. ये ऊपर अबव ग्राउंड के ग्रो होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ द सनलाइट. जहाँ सनलाइट होगी वहीं प्लांट अपना फेस कर देगा. इन इट कंसिस्ट ऑफ स्टेम्स. इसके उसमें क्या है, शूट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, स्टेम्स और लीव्स, एंड लीव्स एंड मे ऑल्सो हैव बर्ड्स, और ये बर्ड्स भी हो सकते हैं फ्लावर्स. सो जो भी चीज़ें प्लांट की अबव द ग्राउंड है, दे आर इन द शूट सिस्टम. एंड द सीड्स, द मेन फंक्शन ऑफ द शूट सिस्टम इज़ टू ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्ट का पता है आपको, ट्रांसपोर्ट वर्ड क्यों यूज़ किया जा रहा है, ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ट्रांसपोर्ट मीन्स ट्रैवल करता है वो, जैसे गाड़ियाँ एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाती हैं, इसी तरह प्लांट की जो वाटर है वो शूट सिस्टम सप्लाई कर रहा है, टू रूट से आ रही है और कहाँ तक जा रही है, प्लांट के हर पार्ट में. एंड टू टेक प्रिपेयर्ड फूड टू ऑल पार्ट्स. अब ये प्रिपेयर हुआ हुआ फूड है, यानी ये इंक्लूडिंग द रूट सिस्टम. प्रिपेयर हुआ हुआ फूड मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स, और उसमें ये बन चुका है, और फिर ये प्रिपेयर्ड फूड जा रहा है. दिस सिस्टम इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस.
रिप्रोडक्शन एंड द डिस्पर्सल ऑफ सीड्स. अच्छा, जो शूट सिस्टम है वो प्लांट को किस किस चीज़ में हेल्प करता है? फोटोसिंथेसिस में, जो कि मैं अभी आपको पढ़ाऊंगी. रिप्रोडक्शन मींस एक से ज़्यादा प्लांट्स जब रिप्रोड्यूस होते हैं, बढ़ते हैं. और डिस्पर्सल ऑफ सीड्स मींस एक जगह से सीड्स जो ट्रैवल करते हैं, जैसे फ्लावर में जो छोटे छोटे सीड्स होते हैं, जब हवा आती है तो वो उड़ के दूसरी जगह डिस्पर्स हो जाते हैं और फिर वहाँ एक और न्यू प्लांट बनने. द फोटोसिंथेसिस, जस्ट लाइक ऑल लिविंग थिंग्स, प्लांट नीड फूड्स टू लिव, ग्रो एंड स्टे हेल्दी. प्लांट को भी फूड चाहिए, बट अनलाइक एनिमल्स, प्लांट प्रिपेयर देयर फूड बाय देमसेल्फ्स. एनिमल्स को फूड जाके लेना होता है, बट प्लांट्स खुद ही अपना फूड अपनी बॉडी में ही बना लेते हैं. द प्रोसेस बाई विच ग्रीन प्लांट्स यूज लाइट एनर्जी टू सिंथिसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस कौन सा प्रोसेस है? लाइट के थ्रू और जो है वाटर के थ्रू, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज नोन. ये सब क्या होता है? ये फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस जो सनलाइट से. द टर्म फोटोसिंथेसिस कम फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज एंड कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स. फोटो मीन्स विच मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स विच मीन्स टू मेक. ठीक है, फोटोसिंथेसिस क्या है? सनलाइट के थ्रू जो प्लांट अपना खाना बनाता है उसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं. फोटोसिंथेसिस इज नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर प्लांट्स बट ऑल्सो फॉर ऑल लिविंग थिंग्स. डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑल लिविंग थिंग नीड्स डिपेंड्स ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड. इफ दिस प्रोसेस डिड नॉट अकर देर वुड बी नो लाइफ ऑन अर्थ. सो क्या कह रहे हैं वो लोग? कह रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी लिविंग थिंग, क्योंकि वी आर ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन प्लांट्स. अगर हम लोगों को प्लांट्स नहीं मिलेंगे तो फिर हम लाइफ अर्थ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्लांट से बहुत सारी चीज़ों का फूड मिलता है. प्लांट नीड्स लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, वाटर एंड मिनरल्स टू मेक देयर रूफ. सो ये चार चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं. क्या चीज़ें? लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, वाटर एंड मिनरल्स टू मेक देयर ओन फूड. दीज आर द रॉ मटीरियल. रॉ मटीरियल मीन्स यही मेन बुनियादी चीज़ें हैं जो प्लांट को चाहिए. प्लांट कंबाइन ऑल दीज टुगेदर. प्लांट इन सबको मिक्स करता है, बनाता है एंड प्रोड्यूस फूड इन द फॉर्म ऑफ शुगर. शुगर के फॉर्म में फूड बनाता है. इन योर होम योर मदर प्रिपेयर्स फूड बाय कंबाइनिंग डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स टुगेदर एंड कुकिंग देम. आपकी मम्मा भी ऐसे ही बनाती हैं खाना डिफरेंट चीज़ों से. हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फूड एंड हाउ डू ऑल दीज लिविंग थिंग्स गेट इन टू द प्लांट? इट इज़ द लीफ. ये लीफ से आती हैं दैट परफॉर्म्स ऑल दीज फंक्शंस. सो लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स आर ऑफ वेरियंग शेप्स एंड साइजेस. ये लीफ के थ्रू हमें सारी चीज़ें मिलती हैं. सो स्टूडेंट्स, टिल नाउ वी आर गोइंग टू रीड टिल हेयर. इसको आप पढ़िएगा और फोर पॉइंट से हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं. मैंने आधा छोड़